नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है। टोटल 31 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और उसके बाद से मंत्री अपने अपने क्षेत्र में कार्यभार संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे और लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को कोई पद क्यों नहीं दिया गया। लेकिन अब इस पे जेडीयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके लिए कोई पद बड़ा नहीं है, उनके लिए मिशन बड़ा है और ऑडियोलॉजी बड़ी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा है कि मेरे लिए पद बड़ा नहीं है, मिशन बड़ा है, ऑडियोलॉजी बड़ी है। चलिए सबसे पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं कि अपने ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम चल रही खबरों पर कैसे विराम लगा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरे लिए पद बड़ा नहीं है, मिशन बड़ा है, ऑडियोलॉजी बड़ी है। बिहार से बाहर होने के कारण मेरे बारे में अनेक तरह की भ्रामक और अनाप शनाप खबरें प्रचारित की गई हैं और की भी जा रही हैं। ऐसी अनर्गल बातों को हवा देने वाले महानुभावों को यह मालूम होना चाहिए कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी पद नहीं मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी नहीं जताई, बल्कि कई बार अपनी नाराजगी जताने के लिए बड़े बड़े पदों को लात जरूर मारी है। इतिहास गवाह है, मेरे लिए पद बड़ा नहीं, मिशन बड़ा है, ऑडियोलॉजी बड़ी है। और इसी ऑडियोलॉजी को बर्बाद करने की हो रही साजिश को नाकाम करने के एक खास मिशन से मैंने अपनी पार्टी का विलय जदयू में करने का फैसला लिया, क्योंकि हमारे सभी साथियों का निष्कर्ष था और है कि राज्य ही नहीं पूरे देश के स्तर पर नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे कर्मठ, अनुभवी और साफ छवि के नेता हैं जिनके नेतृत्व में इस विचारधारा को बचाया और बढ़ाया जा सकता है। अतः मैं यह बात ऐलानिया तौर पे कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में पार्टी संगठन के लिए काम करना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में मेरा पक्ष जाने बिना मंत्री नहीं बनने पर नाराज होने की बात करने वाले महानुभावों, मुझ पर कृपा कीजिए प्लीज। तो देखा आपने कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की है कि उनके लिए कोई पद बड़ा नहीं है, मिशन बड़ा है, ऑडियोलॉजी बड़ी है। साथ ही उन्होंने विनम्र तरीके से ये रिक्वेस्ट भी किया है कि बिना उनका पक्ष जाने इस तरह की भ्रमित खबरों को ना चलाएं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।